हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक का ऊपर, उसका प्रीवॉट पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड जिंक मार्केट ट्रेंड क्या है और जिंक का मार्केट रेंज और जिंक क्या फॉर्म कर रहा है पैटर्न और हम कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए कहाँ पे उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप जिंक आज प्रीवॉट पॉइंट जिंक 196.63, फर्स्ट रेजिस्टेंस 199.56, सेकंड रेजिस्टेंस 201.18, थर्ड 204.11 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 195.01। तो गैप डाउन में आज ओपन हुआ है मार्केट। तो सेकंड आप देख सकते हैं सपोर्ट 192.08 एंड द थर्ड 190.46। तो अगर डेली देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने ये बहुत पहले दिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, तो एग्जैक्टली उसको ब्रेक करके लास्ट जो सपोर्टिंग रेंज सॉरी रेजिस्टेंस लाइन दिया था वहां पर गया हुआ है मार्केट ऑलमोस्ट। तो उसके बाद थोड़ा बहुत अभी करेक्शन दे रहा है क्योंकि 200 अकॉर्डिंग टू 200 मूविंग एवरेज वहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो यहाँ जो जितना करेक्शन देने वाला था दे दिया, लेकिन आप 4 आवर में देखेंगे अभी ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो 4 आवर में अप ट्रेंड में है, अभी प्राइस थोड़ा नीचे आने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो अगर हम 30 मिनट, मैंने ये 30 मिनट ले लिया तो अप ट्रेंड में ही था, तो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट। एक मैंने थोड़ा रेंज निकाल के देता हूँ आपको, ये रेंज जो ये अराउंड 200 से लेके आपको 190 फ्री, ये 7 रुपीज का जो गैप है यहाँ पे एक रेंज मार्केट निकाल रहा है ये रेंज में। और मुझे लगता है यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा से यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर इसको एक पकड़ लेंगे तो इसको हम जैसे लगता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो ये मैंने जो सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ किया है उसको एक नेक लाइन की तरफ फॉर्म हुआ है। तो अगर इसको तोड़ दिया गया, अगर इसको तोड़ के नीचे में क्लोज होगा तो मुझे लगता है मार्केट अराउंड 191 तक आ सकता है। यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन भी हमें मिला हुआ है। ठीक है, और 200 मूविंग एवरेज भी है। तो अगर ये मार्केट अभी आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, तो अगर हम 5 मिनट में आए तो देख सकते हैं ये 5 मिनट, अगर 5 मिनट का कैंडल इसका नीचे बिलो फॉर्म हो गया और स्टोर स्टिक भी या सीसी है, अगर इसको सेल सिग्नल दे तो यहाँ से आप सेल जा सकते हैं इसका नीचे में 193.70 का नीचे में। अगर मार्केट नीचे फॉर्म हुआ और स्टॉप स्टिक भी कंफर्म करेंगे तो आप सेल में जा सकता है, लेकिन अभी सेल का कोई सिग्नल आपको दिया नहीं तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन देना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकता है यहाँ पे अराउंड 200 मूविंग एवरेज के आसपास तो जाना चाहिए क्योंकि ये सपोर्टिंग लाइन है यहाँ पे। तो मैंने एक सपोर्टिंग लाइन भी इसका साथ ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 195.75। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा सकता है क्योंकि अभी सीसीआई भी कंफर्म कर रहा है थोड़ा बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन अगर इस लोअर पॉइंट को तोड़ नहीं पाया जैसे 193.70, तो अगर नहीं तोड़ेगा तो मुझे लगता है ऊपर फ्यूचर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आप पहले कंफर्म कर लीजिए ये जो नेकलाइन मैंने ड्रॉ किया है, नेकलाइन इसको तोड़ पाता है क्या नहीं पाता। अगर तोड़ पाया तो वहां से हम एक रेंज निकाल के हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं तो मार्केट कहां तक जा सकता है। ये जैसे मैंने लोअर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो ये रेंज एक बन जाएगा, तो ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा, एक वीक सपोर्टिंग रेंज बन जाएगा यहाँ पे। अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ से फिर से यहाँ पे आप बाय रिस्क ले सकते हैं अगर कंफर्मेशन मिले तो। ठीक है, जो 5 मिनट में आप देख सकते हैं ये रेंज में है अभी मार्केट, ये रेंज में है, अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।